हेलो एवरीवन, माई सेल्फ एस के अज़र द दून रियल एस्टेट में स्वागत करते हैं हम आपको। आज एक बहुत ही बेहतरीन लोकेशन में एक फ्लैट लाए हैं विजय पार्क एक्सटेंशन में, जो कि आपका ब्लड बैंक के ही अपोजिट साइड में नियर बाय बहुत अच्छे पॉज कॉलोनी में है। 30 फीट के रोड में 3 BHK का फ्लैट है, गेटेड कम्युनिटी के अंदर बेस्ड, बहुत ही बढ़िया पॉज कॉलोनी में है। 3 फ्लैट अवेलेबल है, ट्रिपल स्टोर तक है यहाँ पर अवेलेबल, और ये IMS है 200 से 300 मीटर नज़दीक होगा। लिफ्ट फैसिलिटी भी है, ये कार पार्किंग आपको दिखा रहे हैं हम, ठीक है। सामने एक स्टोर रूम है और वहाँ पर एक टॉयलेट भी है। बहुत अच्छे कार पार्किंग भी अवेलेबल है इस फ्लैट में। मैं अगर बताऊँ तो ये बिल्डर फ्लोर है और 3 BHK विथ मॉड्यूलर किचन के साथ, 3 वॉशरूम, ड्राइंग रूम, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर, 3 फ्लैट अवेलेबल है हमारे पास। 2 BHK भी अवेलेबल है। ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये 3 BHK में दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये स्टेयरगेस की तरफ मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये सामने लिफ्ट का फैसिलिटीज़ हैं। फिलहाल लिफ्ट अभी लगा नहीं है, लग जाएगा, ठीक है। फिलहाल अभी हमारे पास 3 फ्लैट अवेलेबल है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर में कार पार्किंग अवेलेबल है। बहुत अच्छा स्टेयरगेस बना हुआ है, ट्रिपल पट्टी के साथ, फुल राउंडिंग मोल्डिंग के साथ। मैं थोड़ा आपको नाइट में ये वीडियो मैंने शूट किया है एक्चुअली, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं कि आपको सही तरीके से क्लियरिटी हम दे नहीं पाए। फिलहाल जो भी है, बहुत अच्छा बेस्ट बिल्ड क्वालिटी है इसका, लकड़ी वगैरह का। 3 BHK जो सुपर एरिया है इसका, वो 1800 स्क्वायर फीट में है और इसका कवर्ड एरिया 1350 स्क्वायर फीट। यह आपको एंटर करते ही एक ड्राइंग आ गया, यह आपका एक कॉमन टॉयलेट, और बहुत अच्छा मटेरियल लगा हुआ है, जगुआर का फिटिंग है यहाँ पर, मैं आपको दिखाऊंगा जी। दोस्तों अगर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके हर हफ्ते इस प्रॉपर्टी चैनल पे आपको 2 से 3 प्रॉपर्टी अपडेट ज़रूर मिलता है, चाहे वो रेजिडेंशियल बहुत बेहतरीन सस्ते प्रॉपर्टी हो, चाहे फ्लैट हो, चाहे रिजॉर्ट एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो या कमर्शियल हो। ये आपका आ गया बेडरूम, एंटर करते ही डाइनिंग के राइट साइड में ये बेडरूम आता है। 3 बेडरूम में से जिस बेडरूम के साथ आपका बैल्कनी कनेक्ट है, जो कि मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। ये किचन है, यू शेप में किचन है इसका, बहुत बेहतरीन सिंक वगैरह सारे मॉडर्न किचन लगा हुआ है, और नीचे भी ड्रायर वगैरह सब लगे हुए हैं। ये पहला फर्स्ट बेडरूम, ये सिंक लगा हुआ है, फ्रिज का एरिया भी वहाँ पर रखा हुआ है, एरिया है वहाँ पे स्पेस। यहाँ पर अगर बताऊँ, 2 बेडरूम से एंटर करने से पहले लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में पूजा रूम या स्टोर रूम आप जैसा यूटिलाइज कर सकते हैं। ये वहाँ स्टोर है, ये पूजा रूम का या स्टोर रूम का आप यूटिलाइज कर सकते हैं।
लेफ्ट साइड में भी प्लेस स्पेस है जहाँ पर आप या रूम या स्टोर रूम, यहाँ पर आप वॉशरूम यूज करते हैं, सॉरी वॉशरूम यूज कर सकते हैं, मतलब कपड़े वपड़े या वॉश बेस कपड़े धोने के लिए नया वॉशिंग मशीन आप रख सकते हैं वॉशिंग के लिए। ये फर्स्ट बेडरूम के बाद सेकंड बेडरूम में हम एंटर करेंगे। अटैच बाथरूम, दो बाथरूम टोटल तीन, एक कॉमन बाथरूम था, ये एक बेडरूम के साथ अटैच बाथरूम। नेक्स्ट थर्ड बेडरूम विद अटैच बाथरूम, मैं आपको फर्स्ट बेडरूम के एंटर करते ही फर्स्ट बेडरूम के जो बेडरूम के साथ अटैच बैल्कनी है वहाँ पर लेके जा रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बैल्कनी है आपका, 4 फीट चौड़ाई है इसका। एक्चुअली नाइट मैं ये वीडियो शूट किया इसलिए इस तरीके से आपको थोड़ा क्लियरिटी आ रहा है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में सारे इन्फॉर्मेशन है,